हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हम अपने जीमेल का पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमें अपना जीमेल का पासवर्ड बदलना हो तो सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले हम अपने जीमेल को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद अपने यहाँ पे आपको यहाँ पे लोगो दिखेगा, इस लोगो पे क्लिक कर देंगे। आपको जिस आईडी का पासवर्ड बदलना हो उस आईडी को यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से ये वाली आईडी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, इस आईडी को सिलेक्ट कर दिया है और मुझे इस आईडी का पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने का थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने कोई रिकवरी के लिए मोबाइल नंबर दे नहीं रखा है। अगर आपके सामने भी ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे तुरंत रिकवरी के अंदर ऐड करके अपना कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए और इसकी मदद से आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हो। तो मुझे इसको रिकवर करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आप इसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर दीजिएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी के आने पर आने के बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया और आप देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है एंटर योर पासवर्ड, लेकिन मुझे तो मेरा पासवर्ड है वो पता ही नहीं है। तो आप क्या करना है, फॉरगेट पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे जैसे ही फॉरगेट पे क्लिक करते हैं तो हमको बोल रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यू करो, आपका मोबाइल का स्क्रीन लॉक है, उससे आपका ही पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और हमारा स्क्रीन का जो लॉक है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। और देख लीजिए हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू पासवर्ड एंटर करो, जो आपको न्यू पासवर्ड बनाना है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, पर न्यू एंटर कर दिया है। अभी आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में बताया कि हमने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया, लेकिन आपने भी अपने अंदर रिकवरी के अंदर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस नहीं डाल रखा है तो डाल दीजिए। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते हो तो आप ईमेल आईडी भी डाल दीजिए। जैसे कि मेरा सामने ये पेज ओपन हो चुका है कि आप आपको रिकवरी के लिए डालना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक अपनी ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ, जो मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है वही आपको ऐड करनी है, जो कि आपको याद रहे हमेशा। आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी उस पर एक कोड आ जाएगा, वो आपको कोड डालना होगा। ये कोड नहीं आएगा आपको कोई दूसरा कोड भी मिल सकता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और देख लीजिए हमारा जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों ये आपको छोटी सी जानकारी कैसी लगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।